आप लोगों ने रनवे के ऊपर व्हाइट मार्किंग तो देखे होंगे, ये सारी व्हाइट मार्किंग का इस्तेमाल क्यों करता है, इससे पायलट को क्या गाइडेंस मिलता है, रनवे के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये मार्किंग क्या इंडिकेट करता है और इसके ऊपर स्पेसिफिक नंबर क्यों लिखते हैं और इस व्हाइट मार्किंग किस डायरेक्शन में होता है, आज इस वीडियो पर इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एरो सिंप्लीफाइड चैनल को। चलिए देखते हैं। रनवे मार्किंग में पहला आता है रनवे सेंटर लाइन। ये व्हाइट कलर के स्ट्रिप होता है, ये स्ट्रिप रनवे का सेंटर लाइन को डिनोट करता है। इसे पायलट को रनवे का सेंटर आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। फिर आता है नंबर्स जो रनवे के ऊपर मार्क किया जाता है। ये मार्किंग्स डिपेंड होता है कि एरोप्लेन किस डायरेक्शन से आ रहा है। कुछ बड़े एयरपोर्ट्स पे रनवे को पैरेलली डिवाइड किया जाता है और हर एक रनवे के ऊपर एक यूनिक नंबर होता है, उसे सेंटर रनवे, लेफ्ट रनवे और राइट रनवे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रनवे के एंड पे व्हाइट मल्टीपल बार्स होता है, इसे हम रनवे थ्रेशोल्ड मार्किंग्स कहते हैं। इसे पायलट को पता चलता है कि ये रनवे का एंड है। रनवे पे व्हाइट मल्टीपल बार्स रनवे का विड्थ को इंडिकेट करता है। अगर 4 बार्स हुआ तो 60 फीट, 6 बार हुआ तो 75 फीट, ऐसे ही इसको 16 बार तक एक्सटेंड कर सकते हैं। रनवे मार्किंग में अब आता है एम पॉइंट मार्कर्स। इन मार्किंग से पायलट को विजुअल गाइड मिलता है कि एयरप्लेन ग्राउंड को टच हो रहा है। एम पॉइंट मार्किंग का डिजाइन फिक्स्ड नहीं होता, अलग कंट्री में अलग तरीके से इसे मार्क किया जाता है। अब आता है टच डाउन जोन मार्कर्स। ये मार्कर्स लॉन्ग एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इसे पायलट को टच डाउन एरिया आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। टचडाउन जोन को इसीलिए मार्क किया जाता है क्योंकि कभी कभी पायलट्स एम पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इन मार्किंग्स में भी मल्टीपल बार्स होते हैं जो रनवे का विड्थ को आइडेंटिफाई करता है। रनवे पे कुछ अलग मार्किंग्स देखने को मिलता है, उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। इसमें पहला आता है डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड। डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड व्हाइट एरोज को सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन में मार्क किया जाता है और ए मार्किंग्स रनवे के एंड पर होते हैं। इस पॉइंट पे एयरप्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना होता है कि एरोप्लेन इस पॉइंट को टच ना हो सके। सेकंड, ब्लास्ट पैड और ओवररन एरिया। इस एरिया पे येलो कलर्स के मार्किंग होते हैं। लैंडिंग के समय इस पॉइंट को भी अवॉइड करना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी लैंडिंग हुआ तो ही इसके ऊपर लैंड करने का परमिशन मिल सकता है। ब्लास्ट पैड मेन रनवे की तरह स्ट्रांग नहीं होता, इसे सिर्फ इमरजेंसी लैंडिंग के लिए डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों, ये था रनवे मार्किंग के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एरो सिंप्लीफाइड एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट माय वीडियोस। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।